अब आपको प्रोजेस्टेरॉन कैसे बढ़ाना है, कैसे उसको ठीक करना है, इसके लिए हमसे जुड़े रहना है। और अपकमिंग वीडियोस में हम जानेंगे कि प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ाने के लिए बड़ी सिंपल सी टिप्स क्या हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube साइली चैनल में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि प्रोजेस्टेरॉन अगर लो रहता है तो आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक सकती, प्रॉब्लम हो सकती है, इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है, मिसकैरेज के चांसेस होते हैं। लेकिन हमने आगे बात की थी कि हम समझेंगे कि इसको बढ़ाने के क्या उपाय हैं। बहुत छोटे छोटे तरीके हैं, बहुत इफेक्टिव तरीके हैं और वो आप खुद कर सकते हैं, कोई मेडिसिन लेने की भी जरूरत नहीं है। तो ऐसे कुछ 5-6 अमेजिंग आइडियाज के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप भूल जाते हैं तो उन्हें लिख लीजिए ताकि आप उसे नियमित फॉलो कर सकें। तो फ्रेंड्स, इन चीजों को रूटीन में, आपको डेली की रूटीन में ऑल टाइम आपको फॉलो करना है। चूंकि ये डाइटरी टिप्स हैं, इसीलिए ये आप रेगुलर लेंगे तो इनका इफेक्ट आपकी बॉडी में आएगा। आइए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने मुझे यूट्यूब मॉम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर फॉलो कर लीजिए। फ्रेंड, जो भी फूड के बारे में बताने जा रही हूँ, जो भी अमेजिंग आइटम्स हैं, उनके अंदर प्रोजेस्टेरॉन नहीं पाया जाता कि आपने उसे खाया और आपको प्रोजेस्टेरॉन मिल गया। लेकिन वो फूड आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन बनने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर सकते हैं, रोल प्ले करते हैं और बॉडी को सपोर्ट करते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन ठीक तरीके से बने। तो अगर आप इनको लेंगे तो नेचुरली आपका प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज होगा, इम्प्लांटेशन सक्सेस होगा, हार्मोनल इंबैलेंस खत्म होगा, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स खत्म होंगी, रिप्रोडक्टिव इश्यूज में काफी हद तक आपको रिलीफ मिल जाएगा। सबसे पहला आइडिया, फाइबर इनटेक। फाइबर का क्या मैकेनिज्म है, कैसे वो प्रोजेस्टेरॉन बढ़ाता है? फ्रेंड्स, बॉडी में जितना ज्यादा फैट होगा, जितना ज्यादा टाइम तक फूड आपके आंतों में स्टे करेगा, उतना ज्यादा उसमें से एस्ट्रोजन का एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन अगर आप फाइबर अच्छी मात्रा में लेते हैं तो फूड का स्टे टाइम आपके आंतों में कम हो जाएगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, फूड निकल जाएगा आपकी बॉडी में से, तो एस्ट्रोजन का एब्जॉर्प्शन कम होगा। सेकेंड, अगर एस्ट्रोजन कम होगा तो प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ने का टाइम मिलेगा। तो फाइबर इनटेक अगर आप अच्छा रखते हैं तो आपका एस्ट्रोजन डोमिनेंस जो है वो कम होगा और प्रोजेस्टेरॉन बढ़ सकेगा। तो एस्ट्रोजन को कम करके भी आप प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा सकते हैं। फाइबर के लिए क्या खाएं, आप जितनी सलाद में जितने आइटम्स खा सकते हैं खाइए, इसके अलावा किनोवा, ओट्स, ब्रोकली, फ्लैक्सीड, इन चीजों को आप खा सकते हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर मिलेगा और आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, प्रोजेस्टेरॉन बनने की प्रक्रिया आपके पीरियड के पहले दिन से ही शुरू हो जाती है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब बढ़ता है, एग डेवलप होता है, एग रप्चर होता है, ओविलेट होता है, फॉलिकल में रप्चर होता है, उसमें से एग रिलीज होता है, तो जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है उसी का रोल होता है प्रोजेस्टेरॉन के डेवलप होने में। तो FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सही से बनना चाहिए, उसके लिए आपको जिंक की पर्याप्त मात्रा खानी चाहिए। जिंक कैसे खा सकते हैं, इसकी बहुत बड़ी अमाउंट की हमको डेली जरूरत नहीं होती क्योंकि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है, लेकिन कुछ चीजों में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो 2-3 चीजें अगर रूटीन में ऐड कर लेंगे या बदल बदल के खाएंगे उन 2-4 चीजों में से, तो आपको जिंक बराबर अच्छी मात्रा में मिलेगा। पीरियड के पहले दिन से ही इन चीजों को लेना आपके लिए जरूरी है। वो चीजें हैं स्प्राउट्स, नट्स और पंपकिन सीड्स। अगर आप ड्राई फ्रूट सही से खाते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में नियमित लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा आप स्प्राउट्स का सेवन करें अगर अपने ब्रेकफास्ट में तो आपके लिए बेस्ट होगा। फ्रेंड, जो लोग इन डाइटरी टिप्स को फॉलो नहीं करते हैं और बहुत ज्यादा परेशानी में रहते हैं, उनको फाइनली मेडिसिन से इन सारी चीजों को लेना पड़ता है। तो समझदारी इसी में है कि इन चीजों को समझ कर इन्हें अपनी जीवनचर्या में आप अपना लीजिए। तीसरी जो खास चीज है वो है विटामिन B6। विटामिन B6 पे मेरे डेडिकेटेड वीडियो भी हैं, क्योंकि विटामिन B6 का बहुत रोल होता है प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ाने में। कहते हैं कि अगर विटामिन B6 आप पर्याप्त मात्रा में खाते हैं तो 50% चांसेस खत्म हो जाते हैं मिसकैरेज होने के। जिनको रिकरेंट मिसकैरेजेस होते हैं, प्रेगनेंसी लॉस होते हैं, उनको विटामिन B6 पे बहुत ध्यान देना चाहिए। इसके लिए मैंने हमेशा कहा है कि एक बनाना आप रोज खाइए, काबुली चने, चिक पीस जिनको कहा जाता है, इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स और सनफ्लावर सीड्स, इनके अंदर पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, तो इनका सेवन आप जरूर करें विटामिन B6 को पाने के लिए। अगली इंपॉर्टेंट चीज है मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम आपकी बॉडी के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, हमारे ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको रेगुलेट करता है, ताकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और थायराइड, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH बराबर सही तरीके से सिक्रेट हो। तो अगर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है तो PMS की प्रॉब्लम, प्रोजेस्टेरोन लो रहना, ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है, मूड स्विंग होना, एंजाइटी, डिप्रेशन। जितना ज़्यादा लोग स्ट्रेस में रहते हैं उनके बॉडी के अंदर से मैग्नीशियम डिप्लेट होता है, लीच आउट हो जाता है। तो अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं आप, हेक्टिक रूटीन रहता है, तो मैग्नीशियम वाले फूड पे ध्यान दीजिए। डार्क चॉकलेट्स खा सकते हैं, होल ग्रेन खाइए, पालक खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, नॉन वेजिटेरियन है तो फिश भी ले सकते हैं। पांचवी महत्वपूर्ण चीज है विटामिन सी। सबसे सस्ता और सबसे आसान, लेकिन प्रॉब्लम एक है कि विटामिन सी बॉडी में स्टोर नहीं होती, रोज लेनी पड़ती है। रिसर्चेस ये बताते हैं कि अगर आप पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी लेते हैं, आपका विटामिन सी इंटेक बढ़िया है, तो 77% इंक्रीज होता है प्रोजेस्टेरोन लेवल में, लेकिन पर्याप्त मात्रा, रिक्वायर्ड डाइटरी अलाउंस से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, पर्याप्त मात्रा हमको विटामिन सी की लेनी चाहिए। एक ग्लास नींबू पानी पी लीजिए, एक ऑरेंज, एक कोई खट्टा फल, विटामिन सी के बहुत सारे सोर्सेस हैं और बहुत ही सस्ते होते हैं कि जिनको हम आसानी से ले सकते हैं। अगली जो चीज है उसका नाम आपने शायद सुना हो मेरे वीडियोस में, वो है L-arginine। ये एक अमाइनो एसिड होता है और जिन फूड में हाई प्रोटीन होता है ये उनके अंदर पाया जाता है। जितने भी आप नॉनवेज आइटम देख लीजिए, चिकन लीजिए, रेड मीट लीजिए, उनमें ये पाया जाता है। इसके अलावा जो वेजिटेरियन है उनके पास दालों से अच्छा, बीन्स और लेंटिल से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है, उनके अंदर ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आप कद्दू के बीज भी ले सकते हैं। तो L-arginine क्या करता है, ये नाइट्रिक एसिड को सपोर्ट करता है, जिससे कि ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो अच्छा हो, और ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सही से काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये टिप्स बहुत ही अमेजिंग, जिसने भी फॉलो किया उसको बहुत बेनिफिट हुआ है, आप भी लाभ उठा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।